और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़, लेकिन दिल्ली में बाढ़ को लेकर सवाल लोगों के जहन में यही है कि आखिर इस बाढ़ का नियंत्रण क्यों नहीं किया गया, वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। इस पर इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है दिल्ली में बाढ़ कौन जिम्मेदार। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी, आम आदमी पार्टी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और साथ ही अनिल कुमार बंसल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम तीनों मेहमानों का ही स्वागत करते हैं। सबसे पहले जाहिर है कि सवाल सारे आम आदमी पार्टी को लेकर उठ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के समर्थक संजीव कौशिक से ही मैं जानना चाहूंगी इस बात को लेकर, क्योंकि हमने आज ही देखा कि किस तरीके से संजीव जी हमने देखा कि कैसे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो आज केजरीवाल से मिलने पहुंचे, लेकिन एजेंडा था राजनीतिक मामले, राजनीतिक मुद्दे। ऐसा क्यों है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास तमाम बैठकों, राजनीतिक बैठकों और मसलों के लिए तो वक्त है, वो पटना तक जा सकते हैं, बेंगलुरु तक जा सकते हैं, वो तमाम बैठकें कर सकते हैं, लेकिन जो बाढ़ नियंत्रण को लेकर शीर्ष समिति की बैठक थी उसके लिए उनके पास वक्त नहीं था? आपके तमाम रिपोर्ट्स तो बड़े गौर से देखा और ये निश्चित तौर पर ये भी एक कारण है, लेकिन कुछ कारणों को आप भूल रही है शायद कि पिछले 40 सालों में दिल्ली में इतनी बारिश कभी नहीं हुई, पिछले 45 सालों में यमुना का स्तर इतना कभी नहीं रहा। यह बात बिल्कुल सही है कि जब शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो तो बारिश का पानी यमुना की तरफ जाए, लेकिन यमुना में यदि यमुना का जलस्तर ज्यादा हो जाए तो फिर वही पानी बैक करने लगता है और फिर वो शहरों में पहुंचना शुरू हो जाता है। यह भी बात शायद आप बोल रही है, पिछले 1.5 दशक से MCD में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन वैसे 40 से ज्यादा नाले हैं जिसका खोज किया जा रहा है लगातार कि आखिर नाले गए कहां। अतिक्रमण का रवैया यह है कि वो नालों पर या तो झुकी झुपड़िया बन गई है या वो ध्वस्त हो चुका है। पिछले 6 महीने 7 महीने पहले निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार MCD में भी आई है, जिम्मेवारी है, मैं इससे कोई इनकार नहीं करता कि जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है या दुखी है दिल्ली की जनता तो उसके काम में आना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ इसी में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि दिल्ली में रहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, लुटियन जोन में ही रहते हैं और सारे पूरे हिंदुस्तान। लेकिन संजीव जी जो बैठक करनी थी उस बैठक की अध्यक्षता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को करनी थी, देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी थी और ना ही भाजपा के अध्यक्ष को करनी थी, वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को करनी थी। आपकी बात में ये गलत नहीं है कि पिछले 40 सालों से क्यों नहीं कुछ किया गया, वो तब सभी सवाल हैं। MCD में बीजेपी रही है उसको लेकर भी आपकी बात ठीक है कि अतिक्रमण हुआ इत्यादि, IIT की रिपोर्ट कहती है 201 नाले थे लेकिन आज उनमें से 40 गायब है इत्यादि, वो सब बातें सामने हैं। हम तो आज की खबर पर आपसे जानना चाहते हैं ना कि शीर्ष समिति की बैठक हुई क्यों नहीं, क्या मेरा एक सवाल, क्या मुख्यमंत्री को इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था? नहीं, आप ही के रिपोर्ट में आपने अभी बताया कि किस तरह से 3 बैराज को खोलने के बाद में क्या स्थिति होती और मजबूरी में बीच वाले बैराज को खोलना पड़ा और सारे पानी को दिल्ली की तरफ। लेकिन इतना पानी ऐसा नहीं है कि इससे पहले छोड़ा नहीं गया, ऐसा नहीं है संजीव जी? मेरी बात तो पूरी हो जाती है। जी बोलिए। ऐसा एक पार्टी है जो दिल्ली में काबिज है वो ऐसा इसलिए आरोप लगा रही है क्योंकि जो केंद्र में सरकार है जिस पार्टी की, उनका यही सोच है कि डबल इंजन की सरकार हो तो राज्यों का विकास ज्यादा बेहतर हो पाए। मतलब ये कि जिन राज्यों में डबल इंजन सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, उनके साथ के गैर जिम्मेवार रवैया अपनाएंगे और उसी तरह से उसे अकेले छोड़ देंगे। कमोबेश वो वही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। बार बार ये बात कहा जा रहा है कि आखिर यदि पानी का जलस्तर यमुना में बढ़ा तो निश्चित तौर पे दिल्ली की इसमें कोई गलती नहीं, वो बाहर से आयातित पानी है, उसको यदि डाइवर्ट कर दिया जाता तो ये बढ़ता नहीं और इस तरह की नौबत नहीं आती। यह लगातार ये बात कही जा रही है। और दूसरी बात, जो आप जिस शीर्ष समिति की बात करते हैं, शीर्ष समिति से ज्यादा प्लानिंग ये की जाती कि उस प्लानिंग के तहत पानी की निकासी की व्यवस्था की जाती, लोगों को वहां से निकाला जाता। यदि आज के वक्त में यदि ये कोई कहे कि यमुना के तलहटी में या यमुना बकेट में जो लोग पहले से घर बसे बसाए हैं, और वो आज का नहीं है, जब आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो किसने बसाया है ये भी आपको पता है, भले यहाँ पे उस बात की चर्चा न की जाए, लेकिन उस तलहटी में बसे हुए लोगों को लगातार इस बात से इत्तला की जा रही थी, दी जा रही थी कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, आप अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाए। सरकार के तरफ से उन्हें सूचना नहीं दी जा रही थी जबकि सरकार का सारा हमला उन लोगों को बचाने में लगा हुआ था। आज भी पूरे मंत्री से लेकर के सब तमाम तरह के जो विधायक है, सांसद है, जो भी है, वो लगे हुए अपने स्तर से काम कर रहे हैं।
लेकिन दिल्ली सरकार के तरफ से एक शिकायत तो हमेशा रही है केंद्र सरकार, अभी अभी आपने देखा दो दिन पहले एलजी साहब जिस तरह से सवालों का जवाब एक चुने हुए मंत्री सरकार के मंत्री को जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बात तो नहीं सुना गया, यदि वक्त पे यदि वो आ जाते एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया जाता तो शायद नुकसान नहीं हो पाती। तो उसमें ये सारी बातें जरूर मीडिया में है। जी जी संजीव जी, आपने अपनी बात रख दी, ये सारी बातें मीडिया में है कि आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी बातें हैं कि जो कदम वक्त रहते उठाए जाने चाहिए थे शायद वो भी उठाने में आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम रही है। लेकिन आपने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए तो मैं शिवम त्यागी से बात को लेना चाहूंगी, क्योंकि शिवम जी देखिए ये तो सत्य है कि अभी आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, लेकिन इससे पहले तो बीजेपी ही के पास एमसीडी रही थी, इतने सालों तक रही थी, तब क्या बीजेपी ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं एमसीडी में, क्या कुछ ऐसे सुधार करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि अतिक्रमण जब हुआ तब तो एमसीडी में आप ही लोग थे ना। देखिए ममता जी, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि एक व्यक्ति को जो है पिछले 9 साल से दिल्ली झेल रही है, 9 साल से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से दिल्ली के मालिक हम है वाले लोग हैं, बावजूद उसके 9 साल बाद भी अगर इनसे कोई एक सवाल करो तो हरियाणा की गलती, पंजाब की गलती, उत्तराखंड की गलती, हिमाचल की गलती, एलजी की गलती, बीजेपी की गलती, प्रधानमंत्री जी की गलती, सांसदों की गलती, कभी अपनी गलती भी मान लिया करो भैया, कब तक इसी तरीके से टोपियां ट्रांसफर करते रहेंगे। अब रियलिटी यहां पर यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इतना पानी जो है आया है, पहली बार नहीं है कि इतना पानी आने के बाद जो है चीजें हुई हैं, लेकिन ये तो सत्य है, ये तो ये देश जानता है कि इस बार 3,56,000 क्यूसेक पानी आया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी खुद बता रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 8 लाख क्यूसेक पानी भी आया था लेकिन बाढ़ की स्थिति नहीं हुई। बाढ़ की स्थिति होने का मेजर कारण आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और यह सच भी है, वो यमुना की डीसेल्टिंग नहीं हो रही है, नालों को साफ नहीं किया गया है, 6,700 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है, कहां किया है जरा हिसाब दे दो। सीवर का मास्टर प्लान 2018 से अरविंद केजरीवाल की मेज पर पड़ा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए, 18 मिनट में अपने घर की जो शीश महल है उसकी फाइल क्लियर कर ली अरविंद केजरीवाल ने, 2018 से उनको ये बोध नहीं हुआ कि दिल्ली में किसी भी दिन ये सिचुएशन, ये स्थिति भयावह हो सकती है, अगर वो उसको करते तो बेहतर रहता। एग्जाम्पल, जब दिल्ली में लास्ट सीवर मास्टर प्लान हुआ था उस समय दिल्ली की जनसंख्या 40 लाख थी, आज 2.5 करोड़ है, यानी कि 40 लाख लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर झेल सकता था उस पर 2.5 करोड़ लोगों का जिंदगी चल रहा है। अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट में 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगाना है, अपने घर को इतना बेहतरीन बनाना है, तो जिस घर ने, जिस दिल्ली ने आपको मुख्यमंत्री बनाया उसका भी ध्यान कर लेते। जब मुख्यमंत्री नहीं थे आए दिन बिजली के खंभों पर चढ़े रहते थे अरविंद केजरीवाल, आज मुख्यमंत्री हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज और बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट जो है सौरभ जी के पास है, अरविंद केजरीवाल जी इसमें है, 23 मई को एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि भाई तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये दिक्कतें होंगी बरसात में। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना, हरियाणा पहले 70,000 क्यूसेक पानी पर वो दरवाजे जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न उसके जो है कैनाल के वो खुलते थे, हरियाणा ने कहा कोई बात नहीं बारिश बहुत ज्यादा होगी तो इसलिए आप इसको 1 लाख कर दीजिए, यानी कि 1 लाख क्यूसेक तक पानी जब तक आएगा वो दोनों दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन 1 लाख के बाद जब पानी बढ़ेगा तो वो दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कूड़ा करकट गाद सब कुछ आता है तो वो रास्ते चौक कर देता है, इसलिए यमुना में पानी आया। अब नाले आपके चलते नहीं, सीवर्स आपके चलते नहीं, पानी पूरा बैक मार रहा है, दिल्ली बिल्कुल पूरे तरीके से ब्लॉक पड़ी है, बावजूद उसके आप इसकी गलती उसकी दरअसल दरअसल ये जो नाले साफ करने की बात है, जी जी शिवम जी आपने अपनी बात रखी है, जो नाले साफ करने की बात है, डीसिल्टिंग की बात है, यमुना की गाद हटाने की बात है, ये एक ऐसा काम है जो निरंतर करते रहना पड़ता है, जो शासन में होता है प्रशासन में होता है उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है। लेकिन चूंकि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार, ऐसे में अनिल जी देखा जाए तो जब तमाम नालों की बात होती है तो अलग अलग एजेंसीज के पास ये नाले हैं, छोटे बड़े नाले अलग अलग एजेंसीज के पास बटे हुए हैं, जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। ऐसे में जब हम ये बात करते हैं कि ड्रेनेज के प्रबंधन को लेकर बात की जाती है, कोई समन्वय नहीं दिखता है एजेंसीज के बीच में, क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक राय एक सहमति बनाई जानी मुश्किल है, क्योंकि साल दर साल दिल्ली इस समस्या से जूझती है।
कि जो आपने बुनियादी बात कही, समन्वय आवश्यक है, समन्वय होगा, वार्ता होगी। जैसे बैठक के बारे में केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि बैठक के लिए वो नहीं कर पाए तो वो बताते कि ये कारण था, या बाढ़ नियंत्रण विभाग काम करता है, या हमने अपने राजस्व मंत्री को अधिकृत कर दिया था। तो ये सब एक संवाद से रास्ता निकलता है। अगर संवादहीनता होगी तो समन्वय भी स्थापित नहीं होगा। केंद्रीय एजेंसियां हों, या जैसे अभी नौसेना को अब लाया गया है, या राज्य की अपनी एजेंसियां हैं, डीडीए है, ये सब मिलकर काम कर सकते हैं। राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं लेकिन वो साथ साथ चलते रह सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों की जो समस्या है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। ये जो राजनीति है ये मुझे लगता है बाद में भी की जा सकती है। अभी तो दिल्ली में सब मिलकर काम करें। दिल्ली को जो बाढ़ के हालात बन गए हैं, बहुत खराब स्थिति है, उससे निजात दिलाएं और भविष्य के लिए सबक भी लें। ये भी जैसे 1978 की बाढ़ का हम बार बार जिक्र करते हैं, उस समय काफी सुधार किए गए थे, बंद जो बनाए गए थे दिल्ली को बचाने के लिए। ये जैसे यमुना विहार का इलाका है, लोनी है, ये सारे इलाके हैं, इधर से तब बहुत भयावह बाढ़ आई थी, तो उससे सबक लिया गया था। तो हमें अतीत से जो जो हमारी समस्याएं उनसे सबक लेना चाहिए, और जो ये दोषारोपण है इसके लिए बाद में भी समय हो सकता है, पहले तो सबको जुटना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है वो जो लोग अपने घर से बेघर हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके पुनर्वास, उनके जो अस्थाई उनका रहन सहन है उसकी व्यवस्था, ये सब इस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप बाद में भी लगाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी, चूंकि हम मानते हैं कि वो राजनीति के वो भी माहिर हैं, वो दोषारोपण करने में, जैसे अब नई बात ये सामने आई है कि हथिनी कुंड के बाद अब दिल्ली में जो आईटीओ का बैराज है उसको कहा गया कि हरियाणा सरकार उसका नियंत्रण करती है। आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि उसके जो गेट हैं वो खोले ही नहीं गए लंबे समय से, 5, खैर वो नौसेना उस काम पर लगी है, उससे भी अगर कोई राहत मिलती है तो वो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। पर वो गेट खोलने के लिए हरियाणा सरकार से वो पहले कह भी सकते थे, पर ये सब चीजें तभी हो सकती थी जब आप कोई बैठक करते, उसके उपाय खोजते, समस्याओं पर चर्चा करते, निदान के बारे में सलाह लेते, तो मुझे लगता है उससे रास्ता निकलता। क्योंकि ऐसे वक्त में दरअसल एक नेतृत्व की जरूरत होती है, दिशा दिखाना, सबको साथ लेकर चलने वाले एक नेतृत्व की जरूरत होती है जिसकी अभी भी दिल्ली को दरकार है। लेकिन संजीव जी, चलते चलते अंत में एक सवाल आप ही से लेकर खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग विस्थापित हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी इस समय किसी रोडमैप को लेकर चल रही है कि इन लोगों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? मुआवजे की बात तो बीजेपी ने भी उठाई है, लेकिन एक आम आदमी दिल्लीवासी भी आपकी ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि अब उनको दोबारा से स्थापित करने के लिए क्या कोई प्लान है दिल्ली सरकार के पास? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कर लें। लगातार कोशिश करी जा रही है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, निश्चित तौर पे सरकार उनके इन घावों पर मरहम लगाएगी और उन्हें स्थापित करने का प्रयास। लेकिन आज तो केजरीवाल राजनीतिक मामले पे बैठक कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, राजनीति तो चलती रहेगी, जिस तरह से अभी ये तमाम तरह की बातें कही गई कि आपस में समन्वय, अभी हमारे सामने बैठे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि समन्वय बनाने की जरूरत है। आखिर ये समन्वय कैसे नहीं और क्यों नहीं बन पाती है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में एक अभियान छेड़ रखी है कि उनके अफसरों को काम नहीं करने देंगे, किस तरह से उस पर कब्जा करेंगे, जब अधिकारियों की बात होती है तब तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, केवल मैं हूं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, ये सारे आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। और जब काम करने की बारी होती है, जब ब्लेम करने की बारी होती है, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं करती? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के भी नेता और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल घरों में बैठ के राजनीतिक मामलों पर करने की बजाय लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें राहत देने के लिए मुआवजे की घोषणा करेंगे ताकि लोगों के मन में भी थोड़ी उम्मीद जागे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। यहाँ आयुष्मान कौन है जी? मैं